दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र हैं, नो मैटर वो बजट स्मार्टफोन हो या मिड रेंज हो या फिर एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन हो, जो चीज़ आपके स्मार्टफोन में आपने डेफिनेटली नोटिस किया होगा वो है ब्लोटवर्स। ये वो ऐप्स है जो मैन्युफैक्चरर से फैक्ट्री से बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होकर आते हैं और जिन्हें आप ईजिली अपने फ़ोन से रिमूव नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूसली आपके सिस्टम के रिसोर्सेज को ड्रेन करता जाता है, यूज़ करता जाता है और इससे क्या होता है, आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम इन ऐप्स को रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोन से परमानेंटली और इजीली। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम विद अ स्नैप यही सब ब्लोटर्स को अपने फ़ोन से हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही नए और मज़ेदार कंटेंट्स एवरी वीक लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, हमें इस मीडिया फायर का वेबसाइट में जाना है और यहाँ से जाके ADB का सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। ये आपके विंडोज़ का सिस्टम वाइड ADB इंस्टॉल कर देगा और साथ में एंड्रॉयड ड्राइवर्स भी, ताकि आप प्रॉपरली ADB को कोई भी फोल्डर से एक्सेस कर सकें। तो हम यहाँ पर जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ADB का सेटअप डाउनलोड हो चुका है। तो अपने हम लोग डाउनलोड्स फोल्डर में चलते हैं और इसे अनजिप कर लेते हैं। ओके, तो हम इसे अनजिप कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और डन, एक्सट्रैक्शन कंप्लीट है। और अभी यहाँ पे हम इस ADB सेटअप को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉलर ओपन करते ही ऐसे आपको एक कमांड लाइन इंटरफेस दिख जाएगा, आपको सिंपली यस यस प्रेस कर देना है और इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार फिर से यस एंड नेक्स्ट, सिंपल है और डन। तो एक बार ये हो जाए तो अब हमें क्या करना है, हमें जाना है इस GitHub पेज पे और यूनिवर्सल एंड्रॉयड डिब्लोटर इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेज के एकदम एंड पे चले जाइए और यहाँ पे जाके एसेट्स से जाके आपको जो UAD GUI विंडोज़ का exe फाइल है इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो हम लोग फिर अपने डाउनलोड फोल्डर में वापस चलते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। और इसे ओपन करते ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ डिवाइस अनऑथराइज्ड करके एक मैसेज आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अपना जो स्मार्टफोन स्क्रीन पे अभी आप देख पाएंगे कि अलाउड USB डिबगिंग का एक पॉपअप आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी ये पॉपअप हमारे स्मार्टफोन का स्क्रीन पे भी दिख रहा है और अभी हम इस पॉपअप को अलाउ कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे अलाउ कर देंगे तो ये USB डिबगिंग इनेबल हो जाएगा और फर्दर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होना चाहिए। तो हम स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करते ही यहाँ पे अपना डिवाइस आ चुका है OnePlus का, और यहाँ से जाके आपका जो ब्लोटवेयर जो भी है अपना डिवाइस पे उसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके रिकमेंडेड डिवाइस इसमें आप जाएंगे, ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी आपका एंड्रॉयड पे जितना भी ऐप्स है उनका पैकेजेस है वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कोई सिस्टम ऐप्स को डिलीट नहीं करना है, जो क्रिटिकल ऐप्स है, इंपॉर्टेंट ऐप्स है उन्हें डिलीट नहीं करना है, और हमें बस उन्हीं ऐप्स को रिमूव करना है जो ब्लोटवेयर से। तो हमें उसके लिए क्या करना है, रिकमेंडेड्स पे जाना है। रिकमेंडेड्स पे जाते ही ये क्या करेगा, आपको मोस्टली जो ब्लोटवेयर्स टाइप ऐप्स है उन्हीं को दिखाएगा। बट स्टिल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनमें से सभी को अनइंस्टॉल ना करें, जो आपको रिक्वायर्ड है, जिसको आप एग्जैक्टली रिमूव करना चाहते हैं सिर्फ उसी ब्लोटवेयर को आप रिमूव करें, ताकि इनमें से भी कोई इंपॉर्टेंट ऐप जो आपके सिस्टम के ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है वो रिमूव ना हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितने भी ऐप्स दिख रहा है ये सभी अपने पैकेजेस का नाम के हिसाब से शो कर रहा है। तो हमें अगर रिमूव करना है तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा ऐप हमें ज़रूरी है कि कौन सा नहीं है। तो उसका भी ईजी सोल्यूशन एक है, और अब क्या करना है, फिर से हमें अपना स्मार्टफोन का स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। ओके, तो हम अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जाके हमें पैकेज नेम
व्यूअर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। और ये क्या करेगा, जो ऐप्स है उनका पैकेज नेम से आपको शो करेगा। तो आपको अगर कोई ऐप नहीं चाहिए तो उसको आप बाय नेम सर्च करिए और अकॉर्डिंगली वो आपका उसका पैकेज नेम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं कौन सा ऐप हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ये जो गेम्स का जो ब्लोटवेयर ऐप है इसे नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये पैकेज नेम व्यूअर है इसमें जाएंगे और इसमें जाके आप यहाँ पे सर्च करिए गेम्स। ओके, तो गेम्स पे सर्च करते ही यहाँ पे आ गया गेम्स का ऐप और उसका नाम ये com.oneplus.gamespace। तो इसे हम रिमूव करना चाहते हैं। ये आ गया हमें com.oneplus.gamespace, ये है हमारा जो गेम्स का ऐप है वो वाला। तो हम इसे सिलेक्ट कर लिए हैं और इसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो हम अनइंस्टॉल कर दिए इसे और ये अभी हमारा सिस्टम से रिमूव हो चुका है। तो जैसा कि अभी आप हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा गेम्स का ऐप यहाँ पे था वो अभी रिमूव हो चुका है। और ऐसे ही आप अपने स्मार्टफोन से कोई भी ब्लोटवेयर ऐप्स को ऐसे रिमूव कर सकते हैं इस सिंपल ट्रिक के थ्रू। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक का था, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को हेल्प हो सके, ताकि इस वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और मैं और ज़्यादा लोगों का हेल्प कर पाऊँ। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे नहीं पता कैसे बट इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक्स हो जाना चाहिए। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कोई नया नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।